Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to your own channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Today's topic is reproductive system of earthworm. In this particular video, we discuss about each and every thing about reproduction of earthworm. So I hope you really enjoy this video. So first we read what it in NCERT textbook. After that, elaborate each and every thing with simple and easy manner. So let's start without wasting any time. So earthworm is hermaphrodite. Hermaphrodite का मतलब होता है bisexual. मैंने आपको animal kingdom में ये बताया था कि hermaphrodite क्या होता है, bisexual क्या होता है, monotheist क्या होता है. मैं आपको फिर से बताता हूँ अच्छी तरीके से, है ना. मैंने आपको एक trick दी थी जिसमें बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, HMB. HMB का मतलब हुआ, H का मतलब हुआ हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है. M का मतलब हुआ मोनोसियस, मोनोसियस. और B का मतलब हुआ बाईसेक्सुअल, है ना, बाईसेक्सुअल. यानी हर्माफ्रोडाइट का मतलब हुआ बाईसेक्सुअल, यानी उसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे होंगे, है ना. मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे होंगे. मोनोसीएस का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक होता है, यानी मोनो का मतलब होता है वन, और सीएस का मतलब होता है हम रिलेट कर सकते हैं हाउस से, यानी एक ही इंडिविजुअल बॉडी में दोनों हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, इसलिए इसको हम मोनोसीएस बोलते हैं. बाईसेक्सुअल, बाई का मतलब होता है दो, सेक्सेस का मतलब होता है सेक्स, है ना, मतलब दो सेक्स एक ही में, तो इसका भी मतलब होता है बाईसेक्सुअल, ठीक है. तो इन तीनों का मतलब HMB होगा, HMB या हर्माफ्रोडाइट, है ना. HMB ऐसे रिलेट कर लेंगे हम, H से हर्माफ्रोडाइट, M से मोनोसीएस, बी से बाईसेक्सुअल, ठीक है. देख लेते हैं आगे हम. अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट, है ना, हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्थवर्म जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी बाईसेक्सुअल होता है. एग्जाम्पल टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है वो हमारा मेल का पार्ट है, है ना. टेस्टिस जो होगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और जो ओवेरी होता है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. प्रेजेंट एट सेम इंडिविजुअल, है ना, मेल इंडिविजुअल पार्ट और फीमेल इंडिविजुअल पार्ट जो होगा सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, HMB बोलेंगे, है ना, बाईसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे. दे आर टू पेयर ऑफ द टेस्टिस प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट, है ना. यहाँ पे दो पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं जो कि 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं. देयर वास अ डिफरेंसिया, देखा कि इसमें जो टू पेयर ऑफ टेस्टिस होंगी कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, वो 10th और 11th सेगमेंट में पाए जाएंगे. टेस्टिस इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ओवेरी इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें दोनों पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बाईसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. देयर वॉस डिफरेंसिया, है ना, देयर वॉस डिफरेंसिया रन अप टू 18th सेगमेंट वेयर दे जॉइन प्रोस्टेटिक डक्ट, है ना. इनकी जो वॉस डिफरेंसिया होती है वो 18th सेगमेंट से रन करती है और प्रोस्टेटिक डक्ट से ज्वाइन हो जाती है, उससे जुड़ जाती है. टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड, यहाँ पे दो पेयर एसेसरी ग्लैंड होती हैं, आप प्रेजेंट वन पेयर ईच इन 17 एंड 19 सेगमेंट, है ना. यहाँ पे टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड पाई जाएंगी, है ना, जो कि कहाँ कहाँ पे होती हैं. एक पेयर जो होगी वो 17 सेगमेंट पे पाई जाएगी और एक पेयर जो होगी वो 19 सेगमेंट पे पाई जाएगी. टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है. द कॉमन प्रोस्टेटिक, कॉमन इसमें क्या है, द कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, है ना, यानी प्रोस्टेटिक डक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंसिया, है ना. स्पर्मेटिक डक्ट को हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंसिया बोलते हैं, जो कि ओपन होती है, ओपन टू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ, बाई ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटर पोर ऑन द वेंटोलेटल साइड ऑफ द 18 सेगमेंट, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ. जो प्रोस्टेटिक होती है, जो कॉमन प्रोस्टेट होते हैं ना, कॉमन प्रोस्टेट होते हैं, और स्पर्मेटिक डक्ट होती है जिसको हम स्पर्मेटिक डक्ट को क्या बोलते हैं, वास डिफरेंसिया बोलते हैं, वो ओपन होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ, है ना,
एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ ओपन होता है। बाई ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर है ना, मेल जेनाइटल पोर जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, 18 सेगमेंट पे पाया जाता है। और वो कहाँ पे पाया जाता है, 18 सेगमेंट पे पाया जाएगा, बट किस पोजीशन पे पाया जाएगा, वो वेट्रोलेटरल होता है ना, वेंट्रल साइड पे, अर्थवर्म की बॉडी की वेंट्रल साइड पे, लेटरल साइड है ना, वेंट्रोलेटरल अगल बगल पाया जाएगा 18 सेगमेंट में। ठीक है, इसका मतलब यही है कि द कॉमन प्रोस्टेटिक डक्ट इज परमेटिक डक्ट, जिसको बाद डिफरेंटिया बोलते हैं, ओपन इन टू द एक्सटीरियर बाई ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड, यानी वेंट्रोलेटरल साइड में पाया जाएगा, कहाँ पे, 18 सेगमेंट में। ठीक है, फोर पेयर ऑफ स्पर्मेटिकी आर लोकेटेड इन 6 to 9 सेगमेंट, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। ये स्पर्मेटिकी क्या होते हैं, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर पे बताया था, इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म के बारे में बताया था जब, तो उसमें मैंने बताया था स्पर्मेटिकी क्या होते हैं, है ना, ये 6 to 9 सेगमेंट पे पाए जाएंगे, ये 4 पेयर होते हैं। ठीक है, 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर होंगे 6 to 9 सेगमेंट में पाए जाएंगे। ठीक है, स्पर्मेटिकी का फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटिकी क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे स्पर्म को टेम्परेरी होल्ड करके रखते हैं, है ना, जो स्पर्मेटिकी होती है हमारी क्या होती है, मैंने आपको बताई स्पर्मेटोजोवा को, है ना, स्पर्मेटोजोवा को होल्ड करके रखती है ना, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल में, है ना, अर्थवर्म में जब कॉपुलेशन होगा तो उसमें जो स्पर्मेटोजोवा होगा, स्पर्मेटिकी उनको स्टोर करके रखती है, ये स्पर्मेटोजोवा जो होते हैं, है ना, स्पर्मेटोजोवा होते हैं, ये हमारे फीमेल, सॉरी मेल पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको बताया गया स्पर्मेटिकी आर लोकेटेड 6 to 9 सेगमेंट, ए पेयर इन ईच सेगमेंट, है ना, 6 से 9 सेगमेंट में पाए जाएंगे और 1 पेयर प्रत्येक सेगमेंट में पाया जाएगा, है ना, तो दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोवा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये जब कॉपुलेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो, स्पर्मेटोजोवा को रिसीव करेंगे और उनको स्टोर करके रखेंगे, है ना, जो ये स्पर्मेटिकी जो होता है इनोलॉगस टू फीमेल वजाइना, है ना, वुमन फीमेल वजाइना, जो स्पर्मेटिकी होता है एनालॉगस टू हुमन फीमेल वजाइना, है ना, हुमन फीमेल वजाइना होती है, वो भी कॉपुलेशन को टाइम जो होता है स्पर्मेटोजोवा यानी स्पर्म को टेम्परेरी होल्ड करके रखती है। ठीक है, उसी तरीके का ये है ना एनालॉगस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन डिफरेंट हो, है ना, ओरिजिन जो हो वो डिफरेंट हो बट उनका जो फंक्शन हो वो सेम हो, है ना, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, तो उसको हम एनालॉगस बोलते हैं। और होमोलॉगस का मतलब होता है होमो, मतलब उसकी ओरिजिन सेम हो, है ना, ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो तो उसको हम होमोलॉगस बोलते हैं। ये एनालॉगस ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, ये हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर पे आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, एनालॉगस क्या होते हैं, होमोलॉगस क्या होते हैं, इसमें कौन सा, इसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन अवर अपकमिंग लेक्चर सच एज एवोल्यूशन। सो आगे देखते हैं, ये जो होते हैं स्पर्मेटिकी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्पर्मेटोजोवा को ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, 1 पेयर ऑफ ओवेरी इज अटैच एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टम, है ना, 1 पेयर ओवेरी होती है, वन पेयर ओवेरी इज अटैच एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टम 12 and 13 सेगमेंट, है ना, 1 पेयर ओवेरी जो होती है इंटर सेगमेंटल सेप्टम से अटैच होती है, कौन कौन से सेगमेंट में, 12वें और 13वें सेगमेंट पे। ठीक है, ओवेरियन फनल आर प्रेजेंट बेनिथ द ओवेरीज विच कंटिन्यू इनटू ओविडक्ट जॉइन टुगेदर एंड ओपन ऑन द वेंट्रल साइड एज ए सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन 14 सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, जो होता है जो 1 पेयर होती है ओवेरी होती है जो कि इंटर सेगमेंटल सेप्टम से अटैच होती है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, 12वें और 13वें सेगमेंट पे, इंटर सेगमेंटम से अटैच होगी, 1 पेयर ओवेरी होगी, है ना, ओवेरी फिर के बाद क्या होगी, ओवेरियन फनल पाई जाएगी, है ना, ओवेरी से रिलेटेड ओवेरियन फनल पाई जाएगी, ये ओवेरियन फनल विद प्रेजेंट बेनिथ द ओवेरी, जो कि ओवेरी के नीचे पाई जाएगी, बेनिथ का बताया था मैंने, है ना, बेनिथ का मतलब होता है के नीचे,
के नीचे, है ना, के नीचे, के नीचे। अब किसके नीचे पाई जा रही, द ओवेरी, यानी ओवेरी के नीचे पाई जा रही, वेनिस का मतलब होता है के नीचे, और किसके नीचे पाई जा रही, ओवेरी के नीचे पाई जा रही है। विच कंटिन्यू इंटू ओविडक्ट, है ना, ये जो होती है कंटिन्यू आगे करती है, ये ओविडक्ट बनाती है, ठीक है, कंटिन्यू इंटू ओविडक्ट, ज्वाइन टूगेदर एंड, और ये इनसे ज्वाइंट हो जाती है, ओपन ऑन वेंट्रल साइड ए सिंगल मीडियन फीमेल जेनेटल पोर इन 14 सेगमेंट, और ये फीमेल जेनेटल पोर जो 14 सेगमेंट में होता है उसमें मीडियन बोला है ना, तो ये वेंटो मीडियल होता है, यानी वेंट्रल साइड में मीडियन पे पाया जाएगा, मध्य पे पाया जाएगा, है ना, बीचों बीच पाया जाएगा 14 सेगमेंट में, ठीक है। और जो हमारा था मेल का था, मेल जेनेटल पोर था वो हमारा वेंट्रोलेटरल था, ये पर ये वेंट्रल साइड भी मिडिल पे पाया जाएगा, बीचों बीच पाया जाएगा, मीडियन पे, ठीक है, 14 सेगमेंट में, ठीक है। ए मैचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन टू वर्म ड्यूरिंग मेटिंग, है ना, जब इसमें मैचुअल एक्सचेंज, स्पर्म का एक्सचेंज कब होगा, जब हमारे दो अर्थवर्म मेट करेंगे, यानी कॉपुलेट करेंगे, है ना। इसमें जो होता है ना क्रॉस मेटिंग होता है, यानी एक वर्म अर्थवर्म का मेल पार्ट दूसरे अर्थवर्म के फीमेल पार्ट से कॉपुलेट करेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस मेटिंग, है ना, क्रॉस मेटिंग, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस मेटिंग, ठीक है। द मैचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन द टू वर्म ड्यूरिंग मेटिंग, यानी मैचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म कब होता है, जब दो वर्म आके मेट करेंगे, यानी कॉपुलेट करेंगे, यानी सेक्स करेंगे, ठीक है। वन वर्म है, मेटिंग का मतलब होता है कॉपुलेशन, ठीक है, कॉपुलेशन, और इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें सेक्स, ठीक है, सभी जानते हैं। वन वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेट जस्ट अपोजिशन अपोजिट गोनेडल ओपनिंग एक्सचेंजिंग पैकेट ऑफ स्पर्म कॉल स्पर्मेटोफोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म, एक वर्म दूसरे वर्म को फाइंड कर लेता है, ढूंढ लेता है, है ना, और दे मेट करते हैं जस्टा पोजिशन अपोजिट गोनेडल ओपनिंग। मैंने आपको ये बताया क्रॉस मेटिंग है ना, जस्टा पोजिशन को क्रॉस मेटिंग बोलते हैं। अपोजिट गोनेडल मतलब एक वर्म का मेल पार्ट दूसरे वर्म के फीमेल पार्ट से मेट करेगा, और दूसरे वर्म का मेल पार्ट और दूसरे वर्म के फीमेल पार्ट से मेट करेगा, बात वही है, मतलब मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से, ऐसी मेटिंग होगी दूसरे दूसरे वर्म का, ठीक है। अपोजिट गोनेडल सेक्स एक्सचेंजिंग, और फिर जब मेटिंग होगी तो वो क्या एक्सचेंज करेंगे, स्पर्म एक्सचेंज करेंगे, है ना, ओपनिंग एक्सचेंजिंग पैकेट स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स, है ना, जो स्पर्म की पैकेट होंगे, है ना, जिसको हम स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं, वो एक्सचेंज करेंगे, है ना, वो एक्सचेंज करेंगे। मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूड आर डिपॉजिट इन कोकून प्रोड्यूस बाई ग्लैंड सेल ऑफ क्लाइटेलम। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैच्योर स्पर्म जो होते हैं, मैच्योर स्पर्म होंगे यानी जो मेल पार्ट से आएंगे, और जो एग होंगे, एग सेल होंगी यानी फीमेल पार्ट से आएंगी, एंड न्यूट्रिटिव फ्लूड, और न्यूट्रिटिव फ्लूड मतलब जिसमें न्यूट्रिशन होगा, है ना, न्यूट्रिटिव फ्लूड का मतलब क्या हुआ, जिसमें न्यूट्रिशन का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा, ये न्यूट्रिटिव फ्लूड क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। आर डिपॉजिट इन कोकून्स प्रोड्यूस बाई ग्लैंड ऑफ क्लाइटेलम सेल, है ना, ये हमारा मैच्योर स्पर्म सेल और एग सेल और न्यूट्रिटिव फ्लूड डिपॉजिट हो जाता है कोकून में, जो कि कहाँ से बनता है, कोकून जो बनता है वो हमारे क्लाइटेलम की सेल से बनता है, कोकून कहाँ से बनता है, क्लाइटेलम की सेल से बनता है, उस पर ये डिपॉजिट हो जाता है, कोकून में ही हमारा जो अर्थवर्म होगा, वो अर्थवर्म का बेबी होगा, वही पलेगा, मतलब उसी पे वो रहेगा, स्टार्टिंग उसकी बर्थ की स्टार्टिंग वहीं से होगी, वहीं से उसका जन्म होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कोकून, यानी अर्थवर्म के बच्चे का फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ से होता है, कोकून से ही होता है, मैंने आपको बताया ना, उसमें न्यूट्रिटिव मीडियम होगा, न्यूट्रिटिव फ्लूड होगा, और मेल का सेक्स, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग उसी पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, वहीं पे न्यूट्रिटिव फ्लूड होगा, यानी उसमें न्यूट्रिशन का काम करेगा, कोकून से में ही उसका अर्थवर्म का जो होगा वो बच्चा डेवलप होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कोकून, है ना, कोकून में ही फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। विच आर डिपॉजिट इन सॉइल, जो कि
कहाँ पे होगा? अर्थवर्म सॉयल पे रहता है, नाम ही उसका अर्थवर्म, मतलब जमीन का कीड़ा है ना। तो वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? कोकून कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे? वो सॉयल पे डिपॉजिट हो जाएंगे। द ओवा, ओवा मतलब होता है एग, है ना, एग इज द पार्ट ऑफ फीमेल, ठीक है। द ओवा एग आर फर्टिलाइज बाई स्पर्म, द ओवा एग, जो ओवा को हम एग बोलते हैं, आर फर्टिलाइज बाई स्पर्म सेल विद इन द कोकून विच देन स्लीप ऑफ द वर्म एंड इज डिपॉजिट ऑन द सॉयल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो ओवा की सेल होंगी वो किसके द्वारा फर्टिलाइज होंगी? वो स्पर्म सेल से फर्टिलाइज होंगी, यानी उसको स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा। कहाँ पे करेगा? कोकून में, है ना। यानी जो एक सेल होंगी वो फर्टिलाइज होंगी स्पर्म सेल से कोकून में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फिर वर्म जो होगा, वर्म देन स्लीप ऑफ द वर्म, यानी वर्म जो होगा यानी अर्थवर्म होगा वो फिसल जाएगा। कहाँ पे फिसल जाएगा? कहाँ से फिसल जाएगा? यानी कोकून से वो फिसल जाएगा, ठीक है, कोकून से वो फिसल जाएगा। एंड इन डिपॉजिट इन सॉयल, है ना, और वो सॉयल पे डिपॉजिट हो जाएगा, सॉयल पे जमा हो जाएगा, ठीक है। वर्म एंड डिपॉजिट ऑन सॉयल, ठीक है। द कोकून होल्ड द वर्म एम्ब्रियो, जो कोकून होता है वो वर्म एम्ब्रियो को होल्ड करके रखता है ना, यानी अर्थवर्म के एम्ब्रियो को होल्ड करके रखता है। वर्म का मतलब वर्म एम्ब्रियो, यानी वर्म का मतलब है अर्थवर्म से और एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो से, है ना। तो यानी वो अर्थवर्म के एम्ब्रियो को होल्ड करके रखता है। आफ्टर अबाउट 3 वीक, यानी 3 वीक के बाद, 3 वीक के बाद ईच कोकून प्रोड्यूस 2 to 20 बेबीज वर्म विद इन एन एवरेज ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ? 3 वीक के बाद प्रत्येक कोकून से, है ना, 2 से 20, है ना, 2 से 20 बेबी वर्म, यानी बच्चे, अर्थवर्म के बच्चे निकलते हैं, 2 से 20 बच्चे निकलते हैं। विद एवरेज अगर इसका लेंगे तो एवरेज कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। यानी प्रत्येक कोकून से एवरेज 4 बेबी निकलते हैं। अगर वैसे लें तो 2 से 20 वर्म बेबी निकलते हैं ईच कोकून से आफ्टर 3 वीक, है ना, 3 वीक के बाद में। डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट अर्थवर्म का डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जा रही। जिसमें लार्वल स्टेज पाई जा रही थी तो मैंने आपको एनिमल किंगडम में बताया था, वहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा था, है ना। बट यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं पाई जा रही थी, इसलिए इसका डेवलपमेंट है वो अर्थवर्म का वो क्या है? डायरेक्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट, देयर इज नो लार्वल स्टेज फाउंड, है ना। इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं बनने, इसलिए इसमें डेवलपमेंट जो हुआ वो डायरेक्ट हुआ। ये हमको क्या है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म का फिगर दिखाया गया, ये हम देख लेते हैं, है ना। इसमें हमको इसमें क्या है, स्पर्मेटिकी दिखाए गए हैं। स्पर्मेटिकी जो हमारे पाए जा रहे थे 6 to 9 सेगमेंट में पाए जा रहे थे, यानी 4 पेयर पाए जा रहे थे। स्पर्मेटिकी का काम क्या था, मैंने आपको बताया था, ये स्पर्मेटोजोवा को होल्ड करते हैं और स्टोर करके रखते हैं। ये हमारे एनालॉगस टू वुमन फीमेल वजाइना होते हैं, ठीक है। वुमन फीमेल वजाइना का भी ये काम होता है, इनकी बट ओरिजिन डिफरेंट होती है, इसलिए इसको एनालॉगस बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस सैक होते हैं, विद टेस्टिस, है ना, टेस्टिस सैक होते हैं, यानी टेस्टिस सैक का मतलब होगा जिसमें कोई चीज़ थैली क्यों, है ना, सैक बोले तो थैली गुनुमा, उसमें चीज़ कोई चीज़ हो रहेगी, है ना, उसमें कोई चीज़ उसके अंदर कोई चीज़ रहेगी। टेस्टिस जो होते हैं 2 पेयर पाए जाते हैं 10th और 11th सेगमेंट में, ठीक है। और जो स्पर्मेटिकल फनल होते हैं, ठीक है, ये जो दिखाए गए हैं स्पर्मेटिकल फनल, फनल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाए गए हमको, ठीक है, स्पर्मेटिकल फनल हो गए। और उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल दिखाए गए, है ना। सेमाइनल वेसाइकल जो होती हैं 2 पेयर पाई जाती हैं, ये मेचुरेशन ऑफ स्पर्म का काम करती हैं ना, ये मेचुरेशन ऑफ स्पर्म का काम करती हैं। सेमाइनल वेसाइकल जो होती है मेचुरेशन ऑफ स्पर्म का काम करती हैं, 2 पेयर होती हैं, ठीक है। ओवेरी होती है वो 2 पेयर होती है 12 and 13 सेगमेंट में पाई जाती है, ठीक है। ये देखो, सॉरी ओवेरी होती है 1 पेयर होती है, ओवेरी जो होती है 1 पेयर होती है 12 and 13 सेगमेंट पे पाई जाती है। उसके बाद ओवेरी से क्या हुआ, ओवेरी से एक ओवेरियन फनल हुई है ना, जो ओवेरी के नीचे होती है, मैंने टेस्ट उसमें लिखा था, मैंने आपको बताया था ना, ओवेरियन फनल जो होती है ओवेरी के नीचे होती है, बीनीथ द ओवेरी, यानी ओवेरी के नीचे, ये ओवेरी होगी उसके नीचे ये होगी, ठीक है। और ओविडक्ट का मतलब हुआ ओवेरियन से, ओवेरी से निकली हुई डक्ट, है ना,
ओविडी से, ओविडक्ट का मतलब हुआ ओविडी से निकली हुई डक्ट को हम ओविडक्ट बोलते हैं, ग्लैंड के बारे में। और कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट क्या होती है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या होती हैं, ये किस किस सेगमेंट में पाई जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ कितने कितने इसके पेयर होते हैं। जो वास डिफरेंसिया होती है ना, वास डिफरेंसिया होती है, टू पेयर होती है, टू पेयर में पाई जाती है। और एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड से इसके नाम से ही पता चला, एसेसरी ये मतलब किसी चीज़ में सहायता करेगी, है ना। एसेसरी ग्लैंड जो होती है वो वन पेयर पाई जाती है, 17 और 19 सेगमेंट में पाई जाती है। एसेसरी ग्लैंड जो होती है वन पेयर 17 और 19 सेगमेंट पे पाई जाएगी, वन पेयर, है ना। और जो कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट होगी, ये इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके नाम से ही पता चला है, प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक, यानी प्रोस्टेटिक फ्लूड को और इसमें स्पर्मेटिक स्पर्म को, दोनों को बाहर लाएगी, है ना। कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, है ना, प्रोस्टेटिक के सिक्रीशन को, जो प्रोस्टेट से सिक्रीशन होगा और स्पर्म के बाहर लाएगी, है ना। प्रोस्टेट ये जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये कितने पेयर होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है, सॉरी ये होती है 17 to 20 सेगमेंट में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, 17 to 20 सेगमेंट में पाई जाती है। लास्ट पैराग्राफ बचा है ना अर्थवर्म के टॉपिक का। तो अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर क्यों बोलते हैं, है ना, अर्थवर्म को किसानों का मित्र क्यों बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर, ठीक है, फ्रेंड ऑफ फार्मर, अर्थवर्म आल्सो नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर, है ना, यानी फार्मर का मित्र, किसान का मित्र बोलते हैं इसको, किसान का मित्र, फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर, ठीक है। अर्थवर्म आर नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर बिकॉज बोरो, है ना, बोरो का मतलब होता है बिल, ठीक है, बोरो का मतलब होता है बिल, इन सॉइल एंड मेड इट पोरस विच हेल्प इन रिस्पायरेशन, है ना, पेनेट्रेस ऑफ, देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉइल को, सॉइल में क्या, बोरो बनाता है, बोरो का मतलब बिल बनाता है सॉइल में, हैं, जो कि बिल क्या होता है, जो कि बिल सॉइल में बिल बनाएगा तो वहाँ की जो ज़मीन होगी ना पोरस हो जाएगी, पोरस का मतलब होता है, पोरस का मतलब होता है छिद्र, पोर बियर, है ना, इसमें क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, यानी उसमें ज़मीन में छेद हो जाएंगे। विच हेल्प इन रिस्पायरेशन, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, एंड पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपिंग प्लांट रूट, और प्लांट रूट को पेनिट्रेट होने में यानी सॉइल के अंदर जाने में आसानी प्रोवाइड कराता है ना। जब हमारे अर्थवर्म होंगे सॉइल पे छेद कर लेंगे यानी बिल बना के रहेंगे, है ना, बिल बना के रहेंगे तो वहाँ की ज़मीन जो होगी, धरती होगी, वहाँ की मिट्टी होगी, वो पोरस हो जाएगी, यानी उसमें छेद छेद हो जाएंगे। अब छेद हो जाएंगे तो वहाँ की जो अंदर की सॉइल है वो अच्छे से रिस्पायरेशन कर पाएगी, यानी गैसेस एक्सचेंज कर पाएगी, है ना, उसमें गैसेस एक्सचेंज अंदर और बाहर की सॉइल में, अपर लेयर और अंडर लेयर में अच्छे से हो जाएगा। और उसमें जब सॉइल पोरस हो जाएगी तो वहाँ पे जो डेवलपिंग प्लांट्स होंगे, है ना, कोई भी प्लांट्स होगा उसकी जो रूट होगी वो अच्छे से पेनेट्रेट कर पाए। अगर सॉइल वहाँ की जो है वो टाइट है, बहुत टफ है ना, बहुत कठोर है, तो वहाँ पे जो प्लांट की रूट होगी वो अच्छे से पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगी। बट वहाँ की सॉइल अगर पोरस है, मतलब उसमें छिद्र हैं, है ना, तो वो अच्छे से पेनेट्रेट कर लेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। द प्रोसेस इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोजिटिंग। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना बाई अर्थवर्म, है ना, अर्थवर्म के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोजिटिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है। इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाई अर्थवर्म, और अदर ऑप्शन दे सकते हैं, बाई कॉकरोच, बाई फ्रॉग, कुछ भी दे सकते हैं, बट क्या होता है, इसका रियल आंसर क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज फर्टिलिटी बाई द सॉइल बाई द अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोजिटिंग, यानी अर्थवर्म के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना वर्मी कंपोजिटिंग कहलाता है, ठीक है। और इसका अर्थवर्म को और भी यूज करते हैं हम, कहाँ पर यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो यूज एज बैट इन गेम फिश, है ना, यानी मछली को पकड़ने में, जैसे जो तालाब में हम लोग मछली पकड़ते हैं, कुछ भी पकड़ते हैं, तो उसमें मछली पकड़ने में, यानी गेम ऑफ फिशिंग, है ना, यानी फिश को पकड़ने में, उसमें जो होता है अर्थवर्म को एक मतलब फूड के रूप में यूज करते हैं, कि जो फिश होगी वो अर्थवर्म को देख के आएगी और उसमें अपने उसमें कांटे में फंस जाएगी, है ना, तो इसका मतलब ये होता है ना।
जो फिश वाले गेम होते हैं उसको, फिश पकड़ने वाले है ना, बैट एंड गेम फिशिंग, तो उसमें यूज करते हैं एज ए फूड। ठीक है, तो फिलहाल अपना अर्थवर्म पूरा खत्म हो गया, सारे के सारे टॉपिक मैंने अर्थवर्म के डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे अर्थवर्म के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उनको देखिए और अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए। सो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या होगा, कॉकरोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फ्रॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक माई सेशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।